बेस्ट स्मार्टफोन चाहते हैं गाइज और कैमरा आपकी प्रायोरिटी है, देन आज मैं आपको कुछ अमेजिंग फोन्स दिखा रहा हूँ जिनमें कैमरा टॉप मोस्ट है। ऐसा नहीं कि उसमें और फीचर्स बेकार है, लेकिन कैमरा उसका सबसे अच्छा है। हम प्राइस रेंज लेंगे 10,000 से लेके 35,000 में, हर सेगमेंट में आपको मैं कुछ टॉप फोन्स दिखाता हूँ। और फोन में 4K वीडियो कैपेबिलिटी का भी सपोर्ट मिलना चाहिए, राइट? फॉर द बेटर फोटोज एंड वीडियोस फोन में OIS का फीचर भी जरूर होना चाहिए, और फोन से बढ़िया सेल्फी फोटोज एंड सेल्फी वीडियोस भी बनने चाहिए, जस्ट लाइक दैट। और उनमें से आप कोई भी फोन लेंगे तो आपको डेफिनेटली कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click view products to know more. इस प्राइस सेगमेंट में गाइस बढ़िया कैमरा फोन मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन डोंट वरी, मैंने आपके लिए एक बहुत ही कमाल का कैमरा फोन निकाल के रखा है, और ये है Samsung Galaxy F23। देखिए इस फोन ने कमाल किया है कि यहाँ पे आपको जो मेन सेंसर है बहुत ही अच्छा मिल रहा है। कलर, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, डिटेल सभी कुछ इस प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी आती है। और इस प्राइस से आपने ये भी देखा होगा कि जस्ट मेन कैमरा सेंसर ही दिया था, बाकी सेंसर्स मतलब उतने काम के नहीं होते हैं, अल्ट्रा वाइड होता ही नहीं है, जस्ट 2+2 दिया था। यहाँ पे आपको 8MP अल्ट्रा वाइड मिलता है, जो कि बिग डील है इस प्राइस सेगमेंट में, उससे भी क्वालिटी ठीक रहती है। नॉट जस्ट दैट, 15,000 के अंदर में गाइस 4K वीडियो कैपेबिलिटी बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर है। यहाँ से आप 4K 30fps के वीडियो भी बना सकते हैं, जो कि काफ़ी कूल पार्ट है। सेल्फी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है इस प्राइस के हिसाब से, 8MP मिलता है, तो वो भी यहाँ पे कूल है। तो कैमरा आपकी प्रायोरिटी है, ये फ़ोन आपको बहुत ही अच्छी फोटोज़ दे सकता है। वैसे एक फ़ोन और है मेरी नज़र में जो उतना बेटर नहीं, जैसे कि F23 यहाँ पे जो सेकेंडरी लेंस है वो उतना बेटर नहीं है, और कोई भी 4K रिकॉर्डिंग नहीं है। दैट्स व्हाई मैंने इस फोन को इंक्लूड नहीं किया है, ओनली F23 इंक्लूड किया है। यहाँ पे आपको अच्छे फोन्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, स्पेशली इस प्राइस में अब आपको OIS का फीचर मिलने लगा है। उसमें से एक फ़ोन है Moto G22, जिसमें आपको OIS मिलता है। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, यानी कि कोई भी फालतू गिरी नहीं है, और 15MP का सेंसर अच्छे शॉट्स लेता है, डिटेल्स ठीक आते हैं, नॉट दैट बैड, अल्ट्रा वाइड भी ओके है। अब चूंकि यहाँ पे OIS दिया गया, यानी कि अगर आप फोटोज़ में हल्का सा जूम करते हैं या मूविंग वीडियोज़ बनाते हैं तो भी आपको थोड़े से बेटर शॉट मिल जाएंगे। एक नई फ़ोन ने एंट्री मारी है गाइस 15,000 से 20,000 में, अब वो है IQ Z7। अब इस फोन में सेटअप वाइज देखिए, जैसे मैंने कहा था कि सेटअप अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे जस्ट मेन सेंसर ही अच्छा है, कोई भी अल्ट्रा वाइड नहीं था, लेकिन इस फोन के मेन सेंसर से क्वालिटी बहुत ही अच्छी आ रही है। दैट्स व्हाई मैंने इस फोन को यहाँ पे इंक्लूड किया है। नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे आपको OIS भी मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज वो हमारी एक मेन रिक्वायरमेंट है। प्लस यहाँ से आप 4K वीडियोज भी बना सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ OIS। CPU बहुत ही पावरफुल है, तो आप फोटोज बहुत ही फास्ट क्लिक करेंगे इस फोन से, और सेल्फी भी गाइस इस कैमरे की बहुत ही अच्छी है। IQ Vivo की आप जानते हैं, सेल्फी बहुत ही अच्छी आती है। तो Z7 ओवरऑल बेस्ट स्मार्टफोन भी है इस सेगमेंट का, और वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन भी आप मान सकते हैं अंडर 20K में। स्लिमेस्ट 5G फोन जो आप बाय कर सकते हैं H30। इनिशियली ये फोन अराउंड 29,000 का लॉन्च हुआ था, लेकिन अब आपको ये मिल सकता है एज लो एज 22,000 से 23,000 के बीच में। कार्ड ऑफर लगा लेंगे तो क्या पता और कम पहुंच जाए। अब देखिए यहाँ पे कमाल क्या है, ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, 50+50+2, 50MP का मेन सेंसर बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ पे OIS का सपोर्ट ऑफकोर्स मिलेगा ही मिलेगा, तो फोटोज़ बहुत ही अच्छी आती हैं, एंड अल्ट्रा वाइड जो है वो भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर 50MP का मिला है। इस प्राइस में आपको किसी भी फ़ोन में 50MP का अल्ट्रा वाइड नहीं मिलने वाला है, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शनली यहाँ पे 2MP का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। ओके, ऑन द वीडियो पार्ट ऑफ कोर्स आप अल्ट्रा वाइड से 4K वीडियो बना सकते हैं, मेन कैमरा सेंसर से 4K वीडियो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कूल पार्ट क्या है कि आप यहाँ से मैक्रो वीडियो बना सकते हैं, वो भी जस्ट 4K रिजोल्यूशन के। सेल्फी यहाँ पे 32 मेगापिक्सल की, जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी की है, और आप सेल्फी वीडियो भी यहाँ पे 4K रिजोल्यूशन के बना सकते हैं।
स्लिमेस्ट फ़ोन है, यानी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी लंबे समय तक व्लॉगिंग करने में, फ़ोन को यूज़ करने में। नेक्स्ट फ़ोन बहुत ही कमाल का ये भी है, और ये है Redmi Note 12 Pro। प्लस नहीं है, प्रो है। देखिए यहाँ पे अच्छा क्या है कि यहाँ पे जो सेंसर है 50 MP का सोनी IMX766 है, आप जानते हैं लास्ट ईयर का बहुत ही अच्छा सेंसर है। ऑफ कोर्स यहाँ पे OIS भी मिल रहा है। मेन कैमरा सेंसर से क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है, चाहे लो लाइट हो, चाहे आउटडोर हो, डायनेमिक रेंज सब कुछ अच्छा आता है। अल्ट्रा वाइड ओके है इस प्राइस में, अगर आपकी अल्ट्रा वाइड प्रायोरिटी, आपको H30 जाना चाहिए, अदरवाइज 8+2 का सेटअप मिलता है। ऑन टॉप दैट आप 4K रेजोल्यूशन के वीडियोज भी बना सकते हैं जिसमें OIS है, तो वीडियोज आपके स्मूथ बनेंगे। टॉकिंग अबाउट द सेल्फी गाइस, यहाँ पे आपको 16 MP की सेल्फी मिलती है जिससे क्वालिटी आप ठीक ठाक पा सकते हैं। 25 से 30 में गाइस बहुत सारे ऑप्शंस हैं कैमरा फोन के, लेकिन आज हम जस्ट टॉप देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दो फोन्स मैं अगेन आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट फोन है नथिंग फोन 1। जब ये लॉन्च हुआ था तब कैमरे क्वालिटी उतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन बहुत सारे अपडेट्स आए विद न्यू एंड्रॉयड अपडेट, इस फोन की कैमरे क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो गई कंपेयर टू अदर फोन्स के। मेन कैमरे में आपको OIS का सपोर्ट मिलता है, तो फोटो से क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, चाहे आप स्टैंडर्ड मोड लें, चाहे हायर मेगापिक्सल मोड लें। और एडवांटेज तो आपने देखा ही, अल्ट्रा वाइड का 50 MP मोड है, तो आप ज़्यादा क्रॉप एंड जूम कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे एडवांटेज है। अब चूंकि यहाँ पे प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है, 778G+ है, तो आप 4K वीडियोस भी बना सकते हैं विद सपोर्ट ऑफ OIS, उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और 4K रिजोल्यूशन के अल्ट्रा वाइड वीडियो भी बना सकते हैं। सेल्फी कैमरा यहाँ पे 16 MP का है, लेकिन यहाँ पे जस्ट आप 1080 भी बना सकते हैं, कोई भी 4K सपोर्ट नहीं है, तो रियर कैमरा अपनी प्रायोरिटी है। तो नथिंग फोन 1 अब बहुत ही अच्छे शॉट्स आपके लिए ले सकता है। छोटा सा आपको ऋषिकेश का टूर करा देता हूँ। मैंने iPhone 14 Pro Max और S23 Ultra के साथ Pixel 6 को इस बार कैरी किया था। अगर आपको एक लॉन्गेस्ट टर्म रिव्यू देखना है तो प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच की है, यहाँ पे कोई भी हायर मेगापिक्सल नहीं है, यानी कि आपको 50-200 का लालच है तो वो तो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। OIS का सपोर्ट है, यानी कि आप फोटोज़ में जूम करेंगे तो भी आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, आप फुल रिव्यू पहले चेक कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और आप सॉफ्टवेयर जान सकते हैं, पोर्ट्रेट, बोके, सब कुछ बहुत ही एक्सटर्नल यहाँ से निकल के आता है। वीडियोस में ऑफ कोर्स यहाँ से आप 4K वीडियोस भी बना लेंगे, लेकिन 4K 60 भी यहाँ पे सपोर्ट होता है विद द सपोर्ट ऑफ OIS। ये भी यहाँ पे डील ब्रेकिंग फीचर है। अनदर मस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि चूंकि ये फ़ोन IP67 सर्टिफाइड, यानी कि आप इस फोन को ऐसे कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे रेनी हो, रिवर के इनसाइड, पूल के इनसाइड, बहुत ही वर्सेटाइल सेटअप मिल रहा है, आप कहीं भी चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन तो गाइस यहाँ पे सेल्फी 8 MP की, लेकिन उससे क्वालिटी बहुत ही टॉप निकल के आ रही है। सबने अपना बजट बढ़ा दिया है, अब लोग 30 से 35 में बहुत सारे फ़ोन्स खरीदते हैं। इस प्राइस में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन दो बहुत अच्छे ऑप्शन आपको बताता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है गैलेक्सी S21 FE फैन एडिशन, ये लास्ट ईयर का फ़ोन है, इसका फुल रिव्यू चेक कर लीजिएगा, बहुत ही कमाल का फ़ोन अभी भी है, एक्सेप्ट अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं। कैमरे की बात करें, कोई भी हायर मेगा पिक्सल नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो भी यहाँ पे कमाल दिया गया है ना विद दी ट्रिपल कैमरा सेटअप, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी की फ़ोटोज़ आप इस फ़ोन से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है जो कि अभी तक आपने किसी भी फ़ोन में नहीं देखा होगा। 3x ऑप्टिकल, अप टू 30x जूम, अल्ट्रा वाइड बहुत अच्छा है, उससे वह 4K बना सकते हैं। मेन कैमरा भी 4K 60 सपोर्ट करता है, तो पोर्ट्रेट मोड, रेगुलर मोड, नाइट मोड, हर जगह ये फ़ोन बहुत ही कमाल की फ़ोटोज़ लेता है, और वीडियोज भी बहुत कमाल के बनते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आपको फ्रंट में 32 MP की सेल्फी मिलती है, और 4K 60 क्वालिटी की आप सेल्फी बना सकते हैं, यानी कि ब्लॉगर्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लास्ट फोन गाइस इस प्राइस सेगमेंट का कहाँ गया, वीवो V27 एंड दी प्रो, वो यहाँ पे है नहीं, मैंने उसको रिपेयर को भेजा है, आपने देखा था उसके साथ एक कांड हो गया था। अब वो फ़ोन देखिए कमाल का क्यों है फॉर दी कैमरा सेटअप वाइज, तो आपको वो एक एवरेज फील होगा 50+8+2, लेकिन जो सेंसर है ना बहुत ही अच्छा मान सकते हैं, दैट्स इट। फोटोज़ बहुत ही अच्छी आती है गाइस, बढ़िया क्वालिटी की फ़ोटोज़ ले सकती है, एकदम शार्प डिटेल फोटोज़ आप पाते हैं। वीडियो कैपेबिलिटी की बात करें तो आप अप टू 4K 60 FPS बना सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ OIS, तो फोटोज़ एंड वीडियोस दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसमें मेन कैमरा सेंसर अच्छा है, अदर टू सेंसर्स ओके ही हैं, लाइक 8+2 मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा उस फ़ोन को इंक्लूड करने का रीज़न ये है कि इस फ़ोन में आपको 50 MP की सेल्फी मिलती है, जो कि बहुत ही क्रेजी है। नॉट जस्ट दैट, आप 4K 60 FPS के वीडियो भी बना सकते हैं फ्रंट कैमरे से।
इस वजह से मैंने Vivo V Note 7 इंक्लूड किया है। सो गाइस, ये रहे इस मंथ के बेस्ट कैमरा फोन्स जो आप बाय कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स कुछ फ़ोन छूट गए होंगे, लेकिन हमने जस्ट बेस्ट फोन्स ही आपको दिखाए हैं। सेकेंड स्पॉट की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।